मैं ब्लैक एडम के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, इसलिए रॉक से जुड़े कोई भी प्रमोशनल इंटरव्यूज, कोई भी इंस्टा या ट्विटर की पोस्ट या फिर कोई पर्सनल इंटरव्यू भी स्किप नहीं कर रहा, स्पेशली जब से सुपरमैन वाली बात पे हवा लगी है। बट इतने सारे ब्लॉग्स और इतने सारे इंटरव्यूज देखने के बाद कुछ तो फायदा हुआ, क्योंकि यहां से मुझे पता लगे रॉक द ड्वेन जॉनसन के इरादे। वी नो कि भाई ड्वेन जॉनसन की धौंस कितनी है हॉलीवुड में, चाहे वॉर्नर ब्रोस हो या डिज्नी या फिर यूनिवर्सल, फर्क नहीं पड़ता कोई भी स्टूडियो हो, हर जगह ड्वेन जॉनसन की उतनी ही धौंस है। इसी बीच कुछ इंटरव्यूज के बीच में उनका विजन खुल के बाहर आया। वो बताते हैं कि वो इतना छोटा नहीं सोचते कि DCU के अंडर ही वो जस्टिस लीग, जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका का क्रॉसओवर करवा दें, बल्कि वो बहुत बड़ा यानी कि DC और मार्वल का क्रॉसओवर कराना चाहते हैं। जहां पे कुछ महीने पहले यानी कि रेड नोटिस के प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ड्वेन जॉनसन ने एक बात बोली थी कि उनके साथ गैल गैडोट, जो कि DC में वंडर वुमन का रोल प्ले करती है, एंड रायन रेनॉल्ड जो कि MCU में डेडपूल है। तो मूवी रेड नोटिस को कहीं ना कहीं आप मार्वल DC का क्रॉसओवर समझ सकते हो, और फिलहाल इतने से मन भर लो, हो सकता है आगे कुछ और मिलेगा। जहां इस कॉन्फ्रेंस के बाद इन्होंने ऐसा कुछ कोई हिंट दोबारा नहीं दिया, बट वैरायटी के साथ लेटेस्ट इंटरव्यू में ड्वेन जॉनसन ने एक और बात बोली जो कि काफी गौर करने वाली है। जहां रॉक से इस बारे में दोबारा पूछा गया, बट मैं सीधी सीधी बात बोलूं, वो हर चीज करने को तैयार है जो भी उनके फैंस चाहते हैं, और फैंस के डिमांड को ही वो अपना एंड गोल समझते हैं। तो हाँ, अगर फैंस की डिमांड क्रॉसओवर को लेकर है तो वो अपने लेवल पे पूरी कोशिश करेंगे, एंड वी नो कि भाई उनका लेवल क्या है। जहां रॉक ने ये भी बोल दिया कि अगर सब कुछ सही रहा यानी कि जैसा वो सोच रहे हैं वैसा रहा, तो फ्यूचर में उन्हें वो देखने को मिल सकता है जो कि हर एक सुपर हीरो फैन का सपना है, ऐसा कुछ जो आज तक कभी नहीं हुआ, जो कि सुपर हीरो फैंस के बीच की वो इमेजिनरी बाउंड्रीज को हटा सकता है। बट वी नो कि भाई ये सब इतना आसान नहीं है। लेट्स से दोनों स्टूडियोस अपनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ इस बात पे मान भी गए, बट इसके बाद भी एक अच्छी स्टोरी लाइन को ढूंढना जिसमें सारे कैरेक्टर्स को अपनी इमेज के हिसाब से वैल्यू मिले, इतने ग्रेट लेवल का स्क्रीन राइटर ढूंढना सच में काफी मुश्किल है। बट कहते हैं ना, जिसका जवाब असली में नहीं उसका जवाब कॉमिक्स में। वी नो कि ये सब पहले भी कॉमिक्स में हो चुका है, वो भी कई बार। जहां पहली बार 1976 में सुपरमैन वर्सेस अमेजिंग स्पाइडरमैन द बैटल ऑफ सेंचुरी में ये हुआ, फिर उसके बाद सीधा 20 साल बाद यानी कि 1996 में DC वर्सेस मार्वल का ये इवेंट हुआ, जिसके 7 साल बाद 2003 में JLA/Avengers की कॉमिक्स पब्लिक हुई, एंड इसके बाद भी ये मल्टीपल टाइम्स हुआ है। दैट मींस ये मुश्किल जरूर है बट इम्पॉसिबल नहीं। अगर स्क्रीन राइटर ढंग से कोई स्टोरी लाइन को क्रिएट करे तो ऐसी स्टोरी बनाई जा सकती है, बट ऑफ कोर्स दोनों ही फैंस को खुश करना बहुत मुश्किल है। ऐसा नहीं है कि इन दोनों ने बस क्रॉसओवर किए, इसके अलावा इनके कोई रिश्ते नहीं। इवन कि हम DC के कुछ सुपर हीरो के रेफरेंसेस मार्वल में और मार्वल के कुछ रेफरेंसेस DC में नोटिस कर सकते हैं, चाहे बात कोई सीन को लेकर हो या फिर किसी पावर को या फिर लुक्स को। बट खैर, ड्वेन की बात में कितना दम है ये सब कुछ डिपेंड करता है उनकी ब्लैक एडम की परफॉर्मेंस पे। ये अपने एक्सपेक्टेशन पे खड़ी नहीं उतरी तो ऑब्वियसली स्टूडियोज का उन पे भरोसा कम हो जाएगा और उनकी बात का वो वजन नहीं रहेगा। तो खैर, ये तो एक सपना है जो शायद पूरा हो सकता है अगर ब्लैक एडम अच्छा परफॉर्म करे और उसके बाद ड्वेन जॉनसन की बात मानी जाए तो, क्योंकि वो बंदा फैंस के लिए बहुत सोचता है। बट क्या ये होगा या नहीं, ये सोचने वाली बात है। बट अगर आपको जानना है कि थॉर और हरकुलिस की लड़ाई में कौन जीतेगा, तो लेफ्ट वाली वीडियो या फिर ड्वेन जॉनसन की जिंदगी से जुड़े फैक्ट्स जानने के लिए राइट वाली वीडियो पे क्लिक करें। मिलते हैं अपने किसी और वीडियो में। टाटा बाय बाय।